गुरसिखो आप ते परमेश्वर की अपार कृपा है। गुरुदेव जी ने अंक 300 ते लिखा है, फरमान है सिखो शब्द प्यारे जन्म मरण की टेक मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिर त्याग। बाबा कबीर जी 652 अंक लिखते ने, पर काल सभी जगह ऊपर माहे लिखे ब्रह्म ज्ञानी कह कबीर जन पे खालसे प्रेम भगत जानी। गुरुदेव जी आखते ने जागत जोत जपै जिस पास्थर एक बिना मन नैक न आने, पूर्ण प्रेम प्रतीत सदा प्रकोर मरी मत भूल न माने, तीर्थ धाम तप संचम एक बिना न एक पछाने, पूर्ण जोत जगह घट में तब खालसा तहन खालस माने। आ प्यारे गुरु साहब दे खालसा जी सनत प्रतिठेरी नू गुरुदेव जी ने संसार दे विच रोशन करके धूसे नगारे खड़का के इहदा नां रखिया कि इहदा नां रखिया आनंदा दी पुरी। आनंदपुरी दे वासियो तुहाडे माता पिता दा कईआं जन्म दा तप है, तां तुहाडा गुरसिखां दे घरां दे विच जन्म होया किते लिखिया है। जी हां, इहदे बारे पंजाबी दा कवि लिखदा, ओह की लिखदा, ओह लिखदा सिक्खी विच त्रिलोकी दा राज मिलदा। पाओ सिखो ओह गुर दी गुरु ग्रंथ दी विच बह के जीवन अपना सफल बना सिखो, जन्म जन्म दे कर्मां दी मैल लैंदी शरदा नाल जे शीस टिकाओ सिखो। जे परमेश्वर पतंगिया देखना है ता फिर गज के फते बुला सिखो। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दी अमर कहानी दे विचों खालसे दे बोल वाले फतेह परवानो आखो जी, वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। ऐसे नंदे दी पूरी बारे ऐसे की होया है की कीता है इन्हें संसार नु की दिता है। 1665 ईस्वी वाले दिन मोरी गढ़ के ना रखिया एदा नानक चक, 1699 दे विच एदा ना रखिया आनंदा दी पुरी। कलगीधर जी दी अमर कहानी दे विचों इक तराना पेश हे क्यों कीता जा रहा भाई। Oh,
मेरे वास की गल नहीं है, साउंड वालों का कसूर है। मैं तो ललकारे मार मार के इन्हों कहना भीर थोड़ी साउंड बंद हो गई। वो अजे तो 85 साल का बुढ़ा बोलन लग्या, जो मुंडे बोलन गए फिर साउंड क्या करूंगी। आ मैं गल करता जा रहा धामी साहब जी की सच्ची बाह अमरजीत सिंह जी चावला साहब सबका सिकंदर साहब श्रोमणी कमेटी के मैंबर साहबान जो इस वेले की अगवाई कर रहे ने मेरी कौम के हीरे जिन्हों की गल की जा रही है। एक गल तो ध्यान दौ कोठियां प्लाटकार फार्म जहाज लैके आ दुनिया के लोग गुआच ना जाए दुनियावी माया दे विच कोठियां प्लाट माया फार्म जहाज लैके थोड़ा थोड़ा सिखी का भी करना ख्याल है। लखा पाउंड पैसे यूरो डालर तो सोना चांदी हर पक्षों सिखिया च बड़ा खुशहाल है। वो बार परिवार दिता तेरे तो सोनिया वे कौम उत्ते कीता कुर्बान बाल बाल वे आखदा पतंगा वो चंदा थोड़ा जहा ख्याल कर चारे पुत मार के बनाया तेनू लाल वे पूरी दे रक्षा क्यों नहीं किया जा रहा भाई। ਸਤਾਰਾਂ ਸੌ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਆਏ
फरियादी होए सानू खैर दियो केड़ी गल दी साडी तोती नू साडी पोथी नू साडी टोपी नू खतरा है धर्म बचाओ गुरु तेग बहादुर पातशाह सुन रहे सी बाहर तो आए गोविंद राय जी पौने 9 साल की उम्र पुछया पिता जी कौन है पिता जी बोले पुत्र गोविंद राय जी ये भिखारी है ये की मंगदे है एक शीश मंगदे है शीश जी हां गुरु गोबिंद सिंह साहब आए जलाल दे विच रेट करके तू गए म्यान दे विच खंडा इनाम कीता एक शीश इनकलाब करवानिया मंगदा है चखर जुलम जाए मैं नहीं ठल होना सिर दीजा कान ना कीजा वाला गुरु नानक दा वचन टल होना हिंदू धर्म दिया जोता जगाड़ खातर बल्ले शीश नरराजा बिच कल होना पिछो लग जाऊ लैन पतंगिया दी एक शीश नाल मसला निहाल होना कोई है दुनिया च कह लगे आ अपने बापू का सिर लाने वाला अपने पुत्रा नु मारने वाला की जेड़ा देश लई पिता दा शीश लाया अर्श फर्श अंदर जय जयकार तेरे ढाडी चाहे चीज कह लगे ध्यान दियो भाई हुण ताई गड़ी चमकौर दी दस दिए ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ
यह जकारा है अकाल का, किरत कमाई विच नौकरी पढ़ाई विच जंग दा लड़ाई च मुसीबतें टालदा, होवे किसे देश विच भावे किसे भेस विच गुरु उपदेश विच उच्चे इकबाल दा, ओए आखदा पतंगा पंगा लैंदा जो इन्हां दे नाल बढ़ दिंदा जड़ा मन पुत्र अकाल दा। आस अस्थान ते नक्शे दा कुछ करने यो पेश कीती जा रही भाई। सिख धर्म दा महल उसारने नू, बड़े कंधा च राज कुमार तेरे, सिखां दे मित्र पुत्रो फैशन दे विच वड़ गए, केसां तो बगैरा होवे पापा जी करोड़पति, और बल्ले बल्ले होवे भावे बिच अखबारां दे, नवे कारखानियां दा आवे ना अंत कोई, चर्चे समाज विच होण कारोबारां दे, बिरले तो वध भावे होवे सरमाएदारी, कुत्ते भी करन भावे शहर विच कारां दे, आखदा पतंगा भावे पुछ लो सियाणियां नू, केसां वाजो सौंप देनी पुत सरदारां दे, सरदारां दिया पुत्र अज तुहाडा इतिहास इउं बयान कीता जा रहा भाई। हशरतीक पतंगिया आजाद रहने, हशरतीक पतंगिया आजाद रहने, बाजा बालिया किते उपकार तेरे, बाजा बालिया किते उपकार तेरे, हशरतीक पतंगिया आजाद रहने, आजाद रहने, हर आजाद रहने, हशरतीक पतंगिया आजाद रहने, बाजा बालिया किते नेक काम करिए समाज विच, काम हुंदा अपना ते सोभा है लुकाई दी, प्राणा तो प्यारी नारी अपनी नू छड़ के ते जेड़े चाक रखदे ने औरत पराई दी, ओ बनो सरदार, बनो सरदार, करदार ते शहीदां वाले, ओ दो नंबर दी सिखी नहीं बनाई दी। आखदा पतंगा तेन चंगा बंदा कौन आखू, ओ आखदा पतंगा तेन चंगा बंदा कौन आखू, होके मुंडा सिखा दा दुकान लभे नाई दी, ओ होके मुंडा सिखा दा, ए सरदारा दे पुत्र किते भुलेखा ना होवे, जे खंडे वाला इत्थे ला भी लवे ना कोई सिख नहीं बनना, सिख नहीं बन जाना, पहला बनना पवेगा, फिर सारिया गल्लां बननियां, सुत्ते दी नींद खेड़न नू हर पहलू वरत्या जा सकदा, जेड़ा जान के मजला हो जावे उन्हूं जोत चकन्ना कौन करे, मामूली हरदे रोकण नू बटबन्ना कीता जा सकदा, उतों दी सागर उल्ट पवे उन्हूं बटबन्ना कौन करे, उद्दम नाल सब कुछ मिलता है, कुछ खाने नू, कुछ पीने नू, सदियां दे मरे हुए मुर्दे दे मोरे खीर दा छन्ना कौन करे, जिस देश दे अंदर अदल नहीं अन महंगा साथी मौत मिले, उस देश दे अंदर जीने दी कोमल तमन्ना कौन करे।
इनिया बेनतियां प्रवान करो खालसा जी थोड़े चरण झाड़ दिया अनेक गलतियां हो गई उनकिया आस कर दे रब ने तो मैनू 25 साल देते 85 साल उम्र है मेरी आने वाले अगस्त को मैं 85 साल का हो जाना पूरा रब ने मैनू 25 साल देते कोई नहीं जे मेरिया चार गलतियां तुसी मेरिया गलतियां ही माफ कर दियो अरदास करो इस स्टेज ते सच कहने की आदत पै जाए कित बनौटी बनके मूह पर रकाब ला के होर तरह के बनके ना मरिए सिखी दे विचे जाइए फतेह परवानो आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह गुरु दी साजी नवाजी।